नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। 24 का महामुकाबला देख रहे हैं आप, और इस महामुकाबले में एंट्री फिर से हो गई है प्रधान सेवक की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो फिर से मरुधर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौसा जिला मुख्यालय पर रोड शो का आज कार्यक्रम है, जिसके चलते सुरक्षा के लिए आज से पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारियां कर ली हैं। सबसे पहले पीएम मोदी गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और फिर अपना रोड शो शुरू करेंगे। 1300 मीटर का रोड शो करीब करीब एक घंटे में पूरा होगा। पीएम के रोड शो के मार्ग के दोनों तरफ से सुरक्षा के लिहाज से बैरिकेड भी लगाया गया है। वहीं सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त करते हुए पैरामिलिट्री फोर्स और राजस्थान पुलिस के हजारों जवान तैनात किए गए हैं। बता दें कि पीएम मोदी का दौसा जिले में ये तीसरा दौरा है। तो दौसा में प्रधानमंत्री का रोड शो होना है और इस रोड शो को देखते हुए कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। मेगा रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और एक घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये रोड शो करेंगे। पीएम मोदी के रोड शो का मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपको दिखा रहे हैं। 4:10 पर विशेष विमान से जयपुर एयरपोर्ट पीएम मोदी पहुंचेंगे। जयपुर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए 4:35 पर दौसा पहुंचेंगे। करीब 4:45 पर पुराना बस स्टैंड दौसा पहुंचेंगे पीएम मोदी। इसके बाद 4:45 से 5:45 तक पीएम मोदी का रोड शो होगा और 6:00 दौसा हेलीपैड से जयपुर के लिए पीएम मोदी रवाना हो जाएंगे। विष्णु मेरे सहयोगी दौसा से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। विष्णु, कुछ ही देर में, अब मिनटों का अंतर रह गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, वहां से दौसा पहुंचेंगे और फिर दौसा में ये रोड शो होगा। कितनी देर बाद प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे, क्या कुछ तैयारियां वहां पर आपको नजर आ रही है, और इस रोड शो को लेकर कितना उत्साह लोगों में नजर आ रहा है? विष्णु। बिल्कुल सुमित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ समय बाद यहां पर पहुंचेंगे। बात की जाए तो 4:10 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद वहां से हेलीकॉप्टर से रवाना होकर दौसा हेलीपैड पहुंचेंगे। करीब 4:45 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौसा में रोड शो होने वाला है। रोड शो को लेकर जबरदस्त तैयारियां की गई है। मेरे साथी राहुल सिंह से कहूंगा कि एक बार दिखाएं, ये कमांडोज है जो यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के तैनात है। भीड़ में दिखाऊंगा, यहाँ से रोड शो शुरू होगा। राहुल से कहूंगा कि एक बार दिखाएं कि रोड शो इस जगह से शुरू होगा। ये जगह है जहाँ से रोड शो शुरू होगा। गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद प्रधानमंत्री यहां से रोड शो निकालेंगे। करीब 1 किलोमीटर 300 मीटर का करीब ये रोड शो होगा। एक घंटा यहां से चलेगा। 4:45 से लेकर 5:45 तक ये रोड शो चलेगा और ये लगातार दोनों तरफ जनता जुटना शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए, लगातार यहाँ पर नेता है वो जायजा ले चुके हैं। दौसा के जो प्रभारी मंत्री है राज्यवर्धन सिंह राठौड़, वो अभी कुछ समय पहले यहाँ पर ले जा रहे थे। लगातार जो नेता है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए, ये वो तस्वीर है जो गाड़ी जिसमें प्रधानमंत्री रोड शो निकालेंगे। यानी देख, आप सीधी तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, यहाँ इस पर खुली जीप में बैठकर प्रधानमंत्री रोड शो के लिए रवाना होंगे और उसके बाद यहाँ पर पहुंचेंगे। क्योंकि लगातार रोड शो जब यहाँ रवाना होगा, उसकी तैयारियां, तमाम तैयारियां कर ली गई है। वो गाड़ी, दूसरी जो गाड़ी है वहां पर रथ, जिस पर कैमरा रहेंगे, जहां प्रधानमंत्री के आगे सुरक्षा जवान तमाम है। किरोड़ी लाल मीणा मंत्री मेरे साथ हैं, उनसे सीधी बात करते हैं। लगातार प्रधानमंत्री का रोड शो है, लाइव है, प्रधानमंत्री का रोड शो चल रहा है, कुछ देर बाद शुरू होने वाला है। क्या रहेगा कुछ ये दौसा का बस स्टैंड है, यहाँ से प्रधानमंत्री जी का रोड शो और आगे तक जाएगा पूरे शहर में होकर। ये पहला इतिहास है देश में कि दौसा में कोई प्रधानमंत्री घर घर दस्तक दे रहा है। यहाँ पर बड़े बड़े नेता हुए, पंडित नवल किशोर भी हुए, राजेश पायलट भी हुए, पर किसी प्रधानमंत्री को यहाँ नहीं ला पाए। नरेंद्र मोदी जी हैं जिनको हम लाने में सफल हो गए, और वो घर घर जो ईश्वर रूपी जनता है उनसे गुहार लगाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी को जिताओ। कल हमने जो नांगल रजाव थाने में मीटिंग की थी, कल हवा चल गई थी, आज मोदी जी के आने के बाद ये तूफान बन जाएगा,
सुनामी बन जाएगी और सारी सीट राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी जीत के जाएगी। दौसा की जो राजनीतिक तासीर है वो कुछ अलग होती है, क्या लगता है कि प्रधानमंत्री आने के बाद पूरा समीकरण चेंज हो जाएगा? कहा तो ये लोग हैं जो दावे कर रहे हैं कांग्रेस वाले कि यहाँ कांग्रेस जीत बारी बारी। कांग्रेस ने तो ये भी कहा था कि हम 5 की 5 सीट दौसा से जीतेंगे, एक ही सीट जीत पाए, 4 तो हमने जीती थी। तो उनके दावे खोखले हैं, उनके दावे थोते हैं, उनके दावे निराधार हैं। राजस्थान के किसान जानते हैं कि उन्होंने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, राजस्थान के युवा जानते हैं कि हर पेपर इन्होंने लीक किया, राजस्थान की जनता जानती है कि जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार हुआ, DOIT में भ्रष्टाचार हुआ, जहां हाथ रखा वहां भ्रष्टाचार हुआ, इसलिए यहाँ पर कांग्रेस को कुछ नहीं मिलना। आखिरी सवाल, कहा जाता है कि जहाँ कमजोर सीटें हैं, जहाँ संघर्ष की फाइट है, वहाँ पर पीएम मोदी को लाया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। मोदी जी तो सर्वत्र जाते हैं, कमजोर को मजबूत करते हैं, मजबूत को मजबूत से ज़्यादा आगे ले जाते हैं, इसलिए पूरे देश में वो भ्रमण करते हैं, उसमें ये नहीं देखते कमजोर सीट पर लाया जाए। और आते हैं तो क्या विष्णु, हम बड़ी संख्या में सीट जीते।